रहीम अस्सलाम वालेकुम, अहमद फूड को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बहुत ही मुनफरिद और आसान डिश बनाने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इनके लिए जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले हमने चिप्स ले लिया है। आप इसमें कोई सा भी जो है फ्लेवर ले सकते हैं। मैं इसमें योगर्ट एंड हर्ब इस्तेमाल कर रहा हूँ। 2 अदद हमने अंडे लिए हैं और 4 हमने ब्रेड के पीस लिए हैं। और ये स्लाइस जो है प्लेन है, इसमें मिल्क की जो है वो इस्तेमाल नहीं होंगे। और इसमें पिसी हुई मिर्च, नमक, जो हम दोनों ही हस्बे जरूरत इस्तेमाल करेंगे। तो इसको शुरू कैसे करना है, तो चला मैं बताता हूँ। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हमने ये अंडे लिए हैं। इसमें जरूरत अब हम नमक इस्तेमाल करेंगे। और इसको अच्छे तरीके से हम छाट लेंगे। इस चीज को हम जो है इस तरीके से बारीक पीस लेंगे। हमने इस तरीके से बारीक कर लिया। अब हम इसको इसके अंदर मिक्स करेंगे। आप इसे घर पे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टफुल और बहुत क्रिस्पी बनता है और बहुत ही आसान है। अब हम चूल्हा ऑन करेंगे। चूल्हे की आग जो हम नॉर्मल रखेंगे। इसमें आप घी और ऑयल जो भी चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आप इसको घी में इस्तेमाल बनाएंगे तो ज़्यादा आसान लगेगा और अच्छा बनेगा। ये अब इसमें हम नाज़रीन घी को गर्म होने देंगे। जब गर्म हो जाएगा उसके बाद फिर हम इस पर जो अगला स्टेप है उस तरीके से हम इसको स्टार्ट करेंगे। हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और नज़र हमारा घी भी गर्म हो चुका है। थोड़ा सा हम चूल्हे की जो आग है वो कम करेंगे। और अब हम ये इसमें जो है अंडा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़र हमने जो अंडा अभी इसके ऊपर आपके सामने डाला है, अब ये अच्छे तरीके से हल्की आग पे जो है पक रहा है। अब हम इसके ऊपर ब्रेड के 2 पीस रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हल्की आग पे हम थोड़ी देर जो है पकने देंगे।
अब हम उसको बीच में से जो है कटिंग कर लेंगे इसकी। नाज़रीन अब ये इसको हम जो है साइड चेंज करेंगे, ये इंशाल्लाह एक तरफ से जो है ये तैयार हो चुका होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत प्यारा गोल्डन कलर में आया है। अब हम इसको दूसरी तरफ से जो है, नाज़रीन ये जो है हमारे स्लाइस जो है तैयार हो चुके हैं, इंशाल्लाह नीचे से भी अच्छे तरीके से बन चुके हैं, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। अब हम जो है आग बंद कर देंगे, अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन ये देखें बहुत ही अच्छे तैयार हुए हैं और ये जायके में भी बहुत बेहतरीन है। आप इसे घर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत आसान और बहुत पसंद आएगी। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा ताकि मैं आपके लिए आसान और बेहतरीन वीडियो ला सकूँ और आपकी खिदमत कर सकूँ। तो जो हमने चिप्स बचाए थे थोड़े से, अब हम इसको इसके ऊपर डाल के गार्निश करेंगे। नाज़रीन ये तैयार हो चुके हैं, आप इंशाल्लाह इसको घर एक मरतबा मेरे कहने पर ट्राई करें, आपको पसंद आएंगे। ये बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन है और इसे बड़े भी पसंद करते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जल्दी मुलाकात होगी। जब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।